फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं हमने अपनी जब से देखा है फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी देखी है। हम आगे भी आते हैं पर फर्स्ट टाइम घूमना रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय किया है, बहुत अच्छा लगता है। ऊपर जाना था पर वो है थोड़ी बर्फ से गाड़ी स्लिप हो रही है, इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकते, पर यहाँ आके बड़ा मज़ा आया, बहुत देखे चलो बर्फ ही भाई बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। मैं सबसे पहले यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ और ज़्यादा टूरिस्ट आए, क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिलेंगे आपको। और मैं टूरिस्टों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए खाली मंडी तक, ऊपर सावजा वाली साइड गाड़ियाँ लेके ना जाए, क्योंकि रिस्की है, बहुत रिस्क है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, ऊपर वाली साइड ऊपर वाली ना जाएँ, गाड़ियाँ लेके यहाँ आए। यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं, जैसे जालिया में पार्क भी बनी है टूरिस्ट वाल में बनाई है, वहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं, जहाँ मर्जी आप यहाँ पे इंजॉय करें, लेकिन गाड़ियाँ लेके ऊपर ना जाएं क्योंकि बहुत रिस्क है। और बर्फबारी इस साल की बहुत बड़ी बर्फबारी भी थी, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, आज की दिन की कंडीशन किस तरीके की गुजरी और आखिर में आपका आवाम के नाम क्या पैगाम है? आवाम के नाम पर यही पैगाम है, पहले भी हमने अपील की थी तमाम ड्राइवर भाइयों से, वो एजेंटों की थ्रू से भी कराई थी और आपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी थ्रू भी कराई थी, कि जो भी हमारी गाड़ियां स्लिप होती थी बर्फ़ की वजह से, क्योंकि मशीनें बर्फ़ साफ कर गई थी मगर स्लिपिंग बहुत थी। दूसरी नंबर जो है कि जो पुंछ से तमाम टूरिस्ट यहां पहुंचे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ जामिंग और जामिंग निकालने के लिए हमें, आप भी देख रहे थे कि हमें क्या उससे साफ होती है। जी सर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो टूरिस्ट आए हैं, कि यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं, कि इस वक्त जो है इस वक्त धूप है, तो 5 बजे के बाद जो है धूप ख़त्म हो जाएगी, यहाँ कोहरा बहुत ज़बरदस्त होगा, तो लोगों से यही अपील है कि नहीं जी यहाँ गाड़ी उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो बस ड्राइवरों को यही अपील है और आवाम को भी यही अपील है कि गाड़ियाँ जो है वो कोहरे में नहीं निकालें।